उसे देखा ना हो लेकिन उसका नाम सब जानते थे। रॉकी, सिंस 1951। केजीएफ जैसी बड़ी स्केल की फिल्म बनाने में क्या मेजर डिफिकल्टीज रही थी? केजीएफ के लिए प्रशांत की राइटर फर्स्ट डायरेक्टर सेकंड अप्रोच किस तरह कारगर रही? केजीएफ एक ऐसी फ्रेंचाइजी बन गई है जिसने अपनी कंटेंट से तो अपनी धाक जमाई ही है पर अपने मासिव स्केल से भी हमें बहुचक्का कर दिया है। न जाने कितने सालों तक मेकर्स और कास्ट ने ताबड़तोड़ मेहनत की है तब जाके एक लार्जर देन लाइफ एक्सपीरियंस को थिएटर्स तक पहुंचा पाए। तो आज हम इसी मेहनत का थोड़ा बहुत अंश डिस्कस करने जा रहे हैं और बताएंगे आपको कि केजीएफ टीम ने किन डेथली डिफिकल्टीज का सामना करते करते शूट को पूरा किया। बने रहिए हमारे साथ। मैं हूं हस्ती चंद्रेसा और आप देख रहे हैं बॉलीग्राड स्टूडियोज। केजीएफ की अधिकतर शूट रियल लाइफ कोलार गोल्ड फील्ड में ही की गई है लेकिन वहां शूट करना मेकर्स के लिए जान की बाजी लगाने लायक था। उस गोल्ड माइन में अभी भी काफी प्रोसेस सैंड और डेडली केमिकल साइनाइड है तो यहां हर टाइम जान हथेली पे रख कर शूट किया जाता था। हालांकि साइनाइड अभी एक्टिव तो नहीं है लेकिन फिर भी इंसानों के लिए हार्मफुल साबित होता है। अब जब शूट लोकेशन इतनी प्रॉब्लमैटिक थी तो क्रू भी यहां आने से काफी कतराता था जिसकी वजह से जूनियर आर्टिस्ट और क्रू मेंबर्स को इकट्ठा करना काफी मुश्किल हो जाता था और जो काम करने आते भी थे वो दो तीन दिन थक हार के अगले दिन आते ही नहीं थे। तो बड़ी मुश्किल से आर्टिस्ट्स को जैसे तैसे इकट्ठा करके काम चलाया गया लेकिन क्रू मेंबर्स का लोकेशन को लेकर ये खौफ भी जायज था। इस लोकेशन ने तो स्टार कास्ट की भी ना करवा दी थी। केजीएफ में काफी सारी सैंड होती थी और कड़ी धूप में इसका हाल तो भट्टी की तरह हो जाता था। अब ऐसे में इतने गर्म रेत पे एक्टर्स को शॉट देना होता था वो भी नंगे पांव, जिसकी वजह से एक्टर्स बस मैक्सिमम 2 मिनट तक ही रेत पर खड़े हो पाते थे और इसके तुरंत बाद उन्हें वहां से जाना पड़ता था और जगह पे पानी डाल के रेत को थोड़ा ठंडा किया जाता था। जैसा कि हमने पार्ट 1 में नोटिस किया ही है कि फिल्म में रियल सेट्स को ज्यादा प्रेफरेंस दी गई है इसलिए बड़े बड़े सेट्स को खड़ा करना इनके लिए एक बड़ी मुश्किल रही और इतना भी होता तो भी चलता लेकिन केजीएफ में हवाओं का कहर इतना भयंकर बरसता था कि बड़े बड़े सेट्स को भी अपने साथ उखाड़ ले जाता था। ऐसे में शूट करना तो बहुत दूर की बात है, शूट के सेट्स को ही काफी बार बनाना पड़ जाता था। हर परिस्थिति में टीम ने अपनी स्पिरिट को हाई रखा, फिर आंधी आए या तूफान ये लोग बस डटे रहे। अब ये तो हुई शूट की कुछ बातें लेकिन अब इससे भी पहले की कोई बात छेड़ते हैं जब केजीएफ अभी लिखनी शुरू ही हुई थी। केजीएफ के डायरेक्टर और राइटर दोनों ही प्रशांत नील है लेकिन इनकी एक खास अप्रोच है जिसका फायदा इनके हर एक प्रोजेक्ट में होता है। इस अप्रोच को फर्स्ट राइटर डायरेक्टर सेकेंड कहा करते हैं, यानी कि जब स्टोरी को डेवलप कर रहे हो तो उस समय सिर्फ स्क्रिप्ट राइटर के एंगल से सोचो और स्टोरी को बिना किसी कॉन्स्टेंट्स के डेवलप करो। राइटिंग का प्रोसेस कभी भी डायरेक्टर के नजरिए से मत फॉलो करो क्योंकि जब आप डायरेक्टर की मेंटालिटी से चलते हो तो आप एकदम से प्रैक्टिकल अप्रोच शुरू कर देते हो
और माइंड में बजट कॉन्स्टेंट्स आने लग जाते हैं और बस यही राइटर बिग ड्रीम्स करना बंद कर देता है। तो सिंपली सबसे पहले क्वालिटी स्क्रिप्ट लिखने पे ध्यान दो और जब ये तसल्ली से पूरा कर लो तब जाके डायरेक्शन और प्रोडक्शन की तरफ कदम बढ़ाओ। इसी अप्रोच को प्रशांत ने KGF में भी फॉलो किया, तभी स्क्रिप्ट इतनी कमाल बनकर सामने आई। और जब स्क्रिप्ट दमदार हो तो आधा काम तो यहीं खत्म हो जाता है, बाकी का आधा काम इन्होंने पूरी निष्ठा से पूरा किया और बना डाला KGF को एक मास्टरपीस। तो इसी के साथ वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलेंगे कभी और किसी वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। जाते जाते वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।